हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आईएलएस राइटिंग की बात करने वाला हूं और राइटिंग में स्ट्रक्चर की बात करने वाला हूं, जिसको कनेक्टर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जिसमें जो कनेक्टर होते हैं ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। राइटिंग टास्क टू जिसके होते हैं 6 बैंड होते हैं, और राइटिंग में कौन कौन से कनेक्टर हम यूज करते हैं और उनके सननियम कौन कौन से हैं और बैंड स्कोर कैसे इंक्रीज होते हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। टाइम को वेस्ट नहीं करते, वीडियो बड़ा छोटा होने वाला है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, मैंने लिखा है राइटिंग टास्क टू और जो इसका स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे मैंने लिखा है। मतलब क्या है, ऐसे कहीं से भी आए, कोई सा भी आए, आपको ये पता होना चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, बॉडी वन बॉडी टू, मतलब बॉडी पैराग्राफ वन बॉडी पैराग्राफ टू, और कंक्लूजन। मतलब इस तरीके से जो आपको राइटिंग एग्जाम में आने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, कभी भी कोई बंदा आपसे बात करे कि इंट्रोडक्शन में कितने पार्ट होते हैं, तो होते हैं 2 पार्ट। ये मैं आज आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूं आईएलएस के राइटिंग टास्क को लिखने की। कोई भी राइटिंग टास्क को उसमें 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट मतलब कि एक होता है रीफ्रेस और दूसरा होता है थीसिस। मतलब बड़ा साफ है, रीफ्रेज में क्या होता है, जिससे हम सननियम से स्टेटमेंट को चेंज करते हैं, और थीसिस में क्या होता है, जिसमें हम एग्जामिनर को क्लियर करते हैं कि ऐसे कौन सा है, एडवांटेज डिसएडवांटेज है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, पॉजिटिव नेगेटिव है, अग्री डिसएग्री है, कौन सा ऐसे है। मतलब क्या है, जो इंट्रोडक्शन है, कोई भी ऐसे की इंट्रोडक्शन होगी उसका हाफ बैंड होगा, और 2 चीजें होंगी रीफ्रेज और थीसिस। बॉडी पैराग्राफ 1 चाहे बॉडी पैराग्राफ 2, याद रखना बॉडी में आपको 4 स्टेप होते हैं, 1 2 3 4। मैंने यहां पे बॉडी पैराग्राफ में कितने स्टेप रखे हैं, 4 स्टेप रखे हैं। और कौन कौन से, सबसे पहला जो स्टेप होता है उसका मतलब होता है मेन पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं मेन पॉइंट। मान लो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज का ऐसे है, तो मेन पॉइंट में आपने एडवांटेज बताना है पहले में, और दूसरे नंबर पे उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन, और तीसरे नंबर पे उसकी देनी है एग्जांपल, और चौथे नंबर पे आपने उसका निकालना है रिजल्ट। मतलब याद रखना, कोई भी ऐसे होगा उसमें 4 पॉइंट्स आपने मेंशन करने हैं, मेन पॉइंट, एक्सप्लेन, एग्जांपल और रिजल्ट। अगर आपको ये 4 पॉइंट क्लियर है तो 100% आप अपना आईएलएस है जो वो बहुत अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हो। इन 4 पॉइंट्स को लिखने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होते हैं इनके जो कनेक्टर। जैसे मेन पॉइंट को लिखने से पहले कौन सा कनेक्टर आएगा भाई, एक्सप्लेन को लिखने से पहले कौन सा कनेक्टर आएगा, एग्जाम्पल से पहले कौन सा कनेक्टर आएगा, और रिजल्ट से पहले कौन सा कनेक्टर आएगा। ये चीज बॉडी 2 में भी सेम होगी, मगर कनेक्टर अलग अलग लगेंगे। आइए मैं आपको सिखाता हूं कि किस पैराग्राफ में आप कौन से कनेक्टर्स को यूज कर सकते हो। और लास्ट पे बारी आ गई कंक्लूजन की। कंक्लूजन 2 तरीके का होता है, ये भी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करता हूं। तो शुरू करते हैं इसको हम यहाँ पे ऐसे करके। जब मैंने आपको बताया कि बॉडी पैराग्राफ 1, इसमें टोटल कितने पॉइंट बताए मैंने, 4 पॉइंट। 4 पॉइंट कौन कौन से हुए, सबसे पहला मेन पॉइंट, दूसरे नंबर पे हमने उसको किया एक्सप्लेन, थर्ड नंबर पे हमने दिया उसका एग्जांपल, और फोर्थ नंबर पे हमने उसका निकाला रिजल्ट। आज मैं आपको ये क्लियर करूंगा, जब भी आपने कभी मेन पॉइंट को शुरू करना है तो आपका जो फर्स्ट कनेक्टर होगा राइटिंग में, दैट वुड बी टू कमेंस विद, और उसके बाद आपने ये कॉमा जरूर डालना है। मतलब राइटिंग का जो पहला पैराग्राफ होगा उसको शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है टू कमेंस विद, और आप यहां पे टू बिगिन विद भी लिख सकते हो, टू बिगिन विद, ये दोनों अच्छे हैं। इन दोनों में से कोई भी यूज करके आप अपनी राइटिंग को शुरू कर सकते हो। दूसरे नंबर पे जब आपने एक्सप्लेन करना है तो आपके पास कितने कनेक्टर होते हैं, फॉर एग्जांपल पहला कनेक्टर है टू एक्सप्लेन इट, ये पहला हो गया। एक और कनेक्टर मान लीजिए आपने इसको बॉडी पैराग्राफ 1 में यूज कर दिया, तो बॉडी 2 में कौन सा यूज करेंगे, तो मैंने वहां पे बताया आपको टू इलैबोरेट इट। और भी होते हैं, इन अदर वर्ड्स
मतलब क्या है, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो हम कनेक्टर यूज करते हैं। मान लीजिए बॉडी पैराग्राफ वन में मैंने आपको लिख दिया टू एक्सप्लेन इट लिख दिया, तो बॉडी टू में ये सेम नहीं आएगा, तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास जो कनेक्टर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, या हम लिख सकते हैं फॉर इंस्टेंस, या हम लिख सकते हैं टू एपिटोम। आप इनमें से एग्जाम्पल के लिए भी कोई भी यूज कर सकते हो। बस एक बात याद रखना, जो एक बार कनेक्टर एक पैराग्राफ में यूज हो गया दोबारा यूज नहीं होगा। और लास्ट में जो हमारे पास रिजल्ट है, इसके लिए हम does, as a result, so और therefore इन कनेक्टर्स को भी यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि मेन पॉइंट में आपने क्या लिखना है, टू कमेंट्स विद, एक्सप्लेन करते इन दोनों में से कोई भी, एग्जाम्पल में इनमें से कोई भी और रिजल्ट में इनमें से कोई भी। एक ऐसे खोल के बताता हूं आपको, थोड़ी हिंदी में मेरे को प्रॉब्लम है, मगर मैं आपको क्लियर करूंगा, जस्ट वेट फॉर वाइल। मैं आपको कोई राइटिंग टास्क यहां से मैं निकाल के आपको दिखाता हूं। कोई भी सैंपल आपके लिए होगा यहां पे, डेफिनेटली ये देखिए, जब मैंने बॉडी पैराग्राफ को शुरू किया था तो मेरा पहला कनेक्टर कौन सा है, टू कमेंट्स विद, मैंने आपको यहां पे बताया, ये देख लीजिए, ये रहा टू कमेंट्स विद, मतलब मेरे को पता चल गया कि मैंने टू कमेंट्स विद से शुरू किया। एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास कौन सा कनेक्टर था, तो यहां पे मैं इन अदर वर्ड्स, ये रहा इन अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल, और जो रिजल्ट है उसके लिए मैंने कौन सा यूज किया यहां पे, दस। मतलब ये बात क्लियर होगी कि एक पैराग्राफ में मैंने कौन कौन से कनेक्टर यूज किए, टू कमेंट्स विद, इन अदर वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल और दस। इधर आके देखते हैं, ये देखिए यहां पे कौन कौन से यहां पे हमने कट किए, एक तो टू कमेंट्स विद हो गया भाई, ठीक है, और इन अदर वर्ड्स हो गया, फॉर एग्जाम्पल हो गया और दस हो गया। मतलब क्या है, जो बॉडी पैराग्राफ टू आएगा इनमें से कोई कनेक्टर यूज नहीं होगा, उनमें से हम कौन कौन से यूज करेंगे। देखो मैंने बॉडी टू में कौन कौन से यूज किए, तो मैंने यहां पे देखा, ये रहा हमारा बॉडी पैराग्राफ टू, यहां पे मैंने यूज किया हाउएवर, टू एक्सप्लीकेट, फॉर इंस्टेंस और हेंस। मतलब क्या है, जो बॉडी वन के चार स्टेप थे उसके चार कनेक्टर और थे, बॉडी टू के चार स्टेप थे चार कनेक्टर और थे, आपस में एक भी मैच नहीं करने वाला। और रही बात कंक्लूजन की, याद रखना कंक्लूजन में क्या होता है, यहां पे मैंने ऑल दो और यहां पे मैंने एक येट होगा, ये रहा येट। याद रखना एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे बताने वाला हूं मैं आप लोगों को, अगर आपका जो यहां इसको हम बंद करते हैं, अगर आपका ऐसे, गौर से सुनना, हमने कौन कौन से कनेक्टर यूज किए, एक तो अगर आपका ऐसे बॉडी वन और बॉडी टू अगर आपके सेम है, सेम मतलब क्या है, आपने ऐसे देखा अग्री और डिसअग्री, या तो दोनों पैराग्राफ अग्री के या दोनों पैराग्राफ डिसअग्री के, मतलब अगर टोटल राइटिंग में आपको एट टाइप आती है, एट टाइप, और इन एट टाइप्स में आपने क्या करना होता है कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसे था जिसका नाम है अग्री और डिसअग्री, या पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसमें पता क्या होता है, हमारा जो बीपी वन होता है बीपी टू होता है, या तो दोनों पैराग्राफ एग्री के बनेंगे या दोनों पैराग्राफ डिसएग्री के बनेंगे। मतलब अगर हमारे पास ऐसा ऐसे आता है जिसमें दोनों पैराग्राफ बिल्कुल एक जैसे होते हैं, तो उसका कंक्लूजन करने का तरीका क्या होता है, उसमें हम बोलते हैं कंक्लूजन, कंक्लूजन में हम क्या करते हैं, नॉट ओनली डाल के जो हमारा बीपी वन होता है हम उसको डालते हैं, और उसके बाद बट ऑल्सो डाल के जो हमारा बीपी टू होता है हम उसको डालते हैं। मतलब अगर आपके बॉडी पैराग्राफ वन और टू सेम है तो आपका कंक्लूजन नॉट ओनली, उसके बाद जो आपने बीपी वन में लिखा था वो बताओ, बट ऑल्सो जो बीपी टू में लिखा था वो बताओ। अगर आपके पास मान लीजिए एक ऐसे आ गया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज,
इसमें क्या हो गया, एक पैराग्राफ में एडवांटेज है, एक में डिसएडवांटेज है, मतलब दोनों अलग अलग है ना, तो उसका कंक्लूजन करने का तरीका क्या होता है, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, ये देखिए कंक्लूजन, तो उसमें हमने लिखा ALTHOUGH, ऑल दो लिखा BP1, येट लिखा BP2, मतलब बात खत्म। आपको ये पता होना चाहिए कि कंक्लूजन दो तरीके का होगा, अगर बॉडी पैराग्राफ वन और टू सेम है तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगर सेम है तो, अगर अलग अलग है सेम नहीं है तो कंक्लूजन में ऑल दो, फिर वो बॉडी वन है येट, ये कंप्लीट इसके जो हमने स्ट्रक्चर की बात की। अगर मैं आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट रूप से पूरा एसे आपको दिखाऊं तो आपको ये पता चलेगा कि इंट्रोडक्शन तो हमारा दो चीजों से बनेगा, रिफ्रेस प्लस थीसिस। कोई भी ऐसे होगा आपका इंट्रोडक्शन दो चीजों से बनेगा, कौन कौन सी, एक होता है रिफ्रेस और एक होता है थीसिस। उसके बाद अगर हम बॉडी पैराग्राफ वन की बात करते हैं तो कितने पॉइंट होंगे, यहां पे 4 पॉइंट्स में लिखा जाएगा, राइटिंग कोई सी भी हो 4 पॉइंट्स में होगी। कौन कौन से कनेक्टर यूज करूंगा, टू कॉमेंट्स विद से मैंने मेन लिखा, टू एक्सप्लेन से, टू एक्सप्लेन इट से मैंने इसको एक्सप्लेन किया, फॉर एग्जाम्पल से मैंने उसका एग्जाम्पल दिया, और 10 से मैंने उसका रिजल्ट निकाला। ये मेरे बॉडी वन का स्ट्रक्चर होगा, अंदर जो मर्जी लिखो कनेक्टर आपके ये वाले होने चाहिए। अगर आप बॉडी टू का देखना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि बॉडी टू में यहां पे मैंने लिखा हाउएवर, मान लीजिए हाउएवर, हाउएवर तब लिखते हैं जब बॉडी वन एडवांटेज का है और बॉडी टू बिल्कुल उल्टे डिसएडवांटेज का है, तब मैंने यहां पे लिखा हाउएवर। चलिए एक्सप्लेन करने के लिए यहां पे तो टू एक्सप्लेन इट लिख दिया, तो यहां पे क्या लिखेंगे, टू इलैबोरेट लिख देते हैं। चलिए मैंने बोला टू इलैबोरेट इट, चलिए फॉर एग्जांपल लिखा यहां पे, तो मैंने लिखा फॉर इंस्टेंस, इसने बोला 10, मैंने बोला एज अ रिजल्ट। ये देखिए, मतलब इंट्रोडक्शन के बाद जो बॉडी वन के 4 कनेक्टर थे वो ये रहे, बॉडी टू के 4 कनेक्टर हैं ये रहे। रही बात कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन डेफिनेटली, कंक्लूजन में मैंने क्या किया, ALTHOUGH ऑल दो डाल के जो बॉडी वन होगा उसके बारे में, और येट डाला जो बॉडी टू होगा उसके बारे में। ये कंप्लीट आप लोगों के लिए मेरा जो स्ट्रक्चर है, इसको आप अगर फॉलो करोगे तो 100% आपके बैंड स्कोर आएंगे ही आएंगे। मतलब आपको ये पता होना चाहिए, ऐसे कोई सा भी होगा बॉडी वन में भी 4 पॉइंट होने वाले हैं और बॉडी टू में भी 4 पॉइंट होने वाले हैं। बस जो कनेक्टर बॉडी वन में आ गए एक बार, बॉडी टू में सेम नहीं आने चाहिए। वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हो, और डेफिनेटली हम आपकी वहां पर भी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मेरा राइटिंग का पूरा एसे स्ट्रक्चर वाइज आएगा, आप अगर वेट करोगे तो मैं डेफिनेटली उसको बहुत जल्दी बनाऊंगा। और वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताना, उलझो मत, बड़े आराम से प्यार से सीखो और 100% मैं आपका स्कोर लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी ही बहुत सारी वीडियोज मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।